अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात हम करते हैं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जो कि आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी क्रिकेट इतिहास के सफलतम कप्तानों में एक हैं और उनकी कप्तानी में भारत ने 3 आईसीसी खिताब जीते हैं। धोनी ने अपने खेल से दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों में खास जगह बनाई है और यही वजह है कि हर साल की तरह इस साल भी धोनी के प्रशंसक उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलाका, जगह, शहर कोई भी हो, हर जगह धोनी के फैंस अलग अंदाज में उनका बर्थडे मना रहे हैं। आप इन 5 तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं। इस मौके पर धोनी को देश और दुनिया भर से लोगों ने बधाई संदेश भेजे हैं। ये जश्न, ये उत्सव क्रिकेट की दुनिया के उस सितारे के लिए है जो क्रिकेट इतिहास के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक है। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जिनका आज जन्मदिन है और इसी वजह से धोनी के प्रशंसकों ने देश के अलग अलग शहरों में कुछ इस अंदाज में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। किसी ने केक काटा, कोई बधाई के लिए बर्थडे कार्ड लेकर आया, कोई पेंटिंग बनाकर लाया, तो किसी ने महेंद्र सिंह धोनी का भारी भरकम कटआउट ही बनवा दिया। धोनी के प्रति प्रशंसकों की ये दीवानगी बताने के लिए काफी है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के करीब 3 साल बाद भी वो करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों पर राज करते हैं। आज जन्मदिन के मौके पर ऐसे ही कुछ प्रशंसक रांची में धोनी के घर पहुंचे और मेन गेट पर ही उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। उस माई क्रिकेट क्लब है और यहाँ पे भी जबरदस्त तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा सा कटआउट है और उसको देखिए, यहाँ पे केक खिलाया गया है और क्रिकेटर्स जो हैं उनके चेहरे पे खुशी देखी जा सकती है, विश कर रहे हैं, यानी मही को लेकर दीवानगी अभी भी कम नहीं हुई है और लगातार जिस तरह से वो अपने प्रेजेंस को फील करवाते रहते हैं, मौजूदगी दर्ज करवाते रहते हैं, जब कोई उन्हें भूलना चाहता है तो वो एक धमाका करते हैं। इस बार आईपीएल जीत के उन्होंने दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को और यहाँ देख सकते हैं सारे लोग खुश हैं और उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। धोनी का जलवा अभी भी बरकरार है। बिल्कुल सर, वो तो हमेशा बरकरार रहेगा और हम लोग हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं हम लोग को। अभी लास्ट टाइम आईपीएल जीते हैं तो बहुत खुशी हुई है, आज उनका जन्मदिन है तो हम सारे जो क्रिकेट के फैंस और धोनी के फैंस उनके लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। कम नहीं है, ये देखिए हाथ से तुरंत जो है ये पोर्ट्रे बनाया गया है, विकास अग्रवाल ने बनाया है। ये कितने देर में आपने बनाया? 1 घंटे लगे मुझे बनाने में। तो धोनी का क्या क्या अच्छा लगता है पर्सनैलिटी और ट्रेट में? एज ए ह्यूमन बींग वो काफी अच्छे हैं, उनका क्रिकेट में जो योगदान है या हमारे राज्य को जो पहचान उन्होंने दी है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। हालांकि धोनी अभी आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स टीम से जुड़े हुए हैं और इस सीजन भी धोनी की अगुवाई में चेन्नई की टीम ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीतकर अपने प्रशंसकों को खुश होने का मौका दिया। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर धोनी के लिए दीवानगी किसी से छिपी नहीं है, मगर ग्राउंड के बाहर भी उनके चाहने वालों का जोश हाई रहता है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना के हैदराबाद से आई इन तस्वीरों में धोनी के लिए इसी दीवानगी को देखा जा सकता है। 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में जन्मे महेंद्र सिंह धोनी आज 42 साल के हो गए हैं और उनके इस 42वें जन्मदिन को मनाने के लिए प्रशंसकों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। धोनी का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम धोनी का बहुत बड़ा फैन है। जर्सी नंबर 7 बोले तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, एंड फ्रॉम 2011 इन दैट टाइम वी वन दैट वर्ल्ड कप, दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई एम वेरी फैन ऑफ हिम। सो धोनी का प्ले बहुत अच्छा लगता मेरे को, उनका कीपिंग, उनका स्ट्रैटेजीज एंड उनका एटीट्यूड। I love his attitude. Actually, he is very humble and he is very talented. उसका उम्र का बात नहीं बात का छोड़ेंगे, मगर उनका स्किल्स बात करें तो बहुत अच्छा है। सर हम लिख के देंगे, आपको छोड़ के कोई भी नहीं आएगा सर, आपसे बड़ा कोई भी नहीं है क्रिकेट में, तो हमारे भगवान तो आप ही छे। आप जो ये वीडियो जो लगाए ना अभी, ये उतना तो सीन किसको भी नहीं है सर, ये आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं आएगा सर अभी तक तो।
धोनी के इन प्रशंसकों के अलावा सोशल मीडिया पर भी उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। इस मौके पर बीसीसीआई की तरफ से 70 सेकंड का एक वीडियो शेयर करते हुए धोनी को बर्थडे विश किया गया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना ने भी सोशल मीडिया के जरिए महेंद्र सिंह धोनी को बर्थडे विश किया है। इस बधाई संदेश के साथ रैना ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने धोनी के साथ बिताए कुछ यादगार पलों को शेयर किया। 42वें जन्मदिन के मौके पर गुड न्यूज टुडे की ओर से महेंद्र सिंह धोनी को हैप्पी बर्थडे। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे जब महेंद्र सिंह धोनी खेल के मैदान पर नहीं होते तो वो ज्यादातर समय अपने शहर रांची की सड़कों पर ड्राइविंग से जुड़े अपने शौक को पूरा करते नजर आते हैं। दिखने में गजब है, चलने में शानदार, फीचर से लैस है, महंगी गाड़ियों के लिए उनकी पसंद जग जाहिर है और उनके पास लग्जरी गाड़ियों का इतना लंबा चौड़ा कलेक्शन है कि उनको अपने 7 एकड़ के एक फार्म हाउस में अच्छी तरह से रखने के लिए गैरेज बनवाना पड़ा। लाखों दिलों पर राज करने वाले धोनी के पास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की कीमत वाली गाड़ियां भी हैं और धोनी के 42वें जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी कार कलेक्शन या कहें कि कार के शौक के बारे में बताएंगे, जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कारों के प्रति धोनी की दीवानगी इसी से पता चल जाती है कि उनके पास रोल्स रॉयस की विंटेज कार है, सिल्वर रिच 2 है। साल 1977 से साल 1980 के बीच ही बनने वाला ये मॉडल रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो 2 की तरह ही दिखने में नजर आता है, पर सिर्फ इतना है कि सिल्वर शैडो 2 की तुलना में सिल्वर रिच 2 का व्हील बेस ज्यादा बड़ा है, जिसका मतलब ये है कि सिल्वर रिच 2 की पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए ज्यादा जगह है। यानी कि अगर माही V8 इंजन वाली अपनी इस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर सफर करते हैं तो ज्यादा आरामदेह महसूस करते हैं। करीब 2 साल पहले अपने कार कलेक्शन के लिए धोनी ने 1969 फोर्ड मस्टैंग कार भी खरीदी थी। 54 साल पहले बनी इस गाड़ी को खरीदने के बाद रिस्टोर किया गया। बेहतर विश्वसनीयता के लिए इस गाड़ी में 1992 में प्रोडक्शन की गई मस्टैंग का इंजन लगाया गया था। 5 लीटर का ये इंजन 225 हॉर्स पावर और 406 न्यूटन मीटर का पीक टॉक पैदा करता है। माही के कार कलेक्शन में 40 साल पुरानी पॉन्टियक फायरबर्ड ट्रांस एम भी मौजूद है। साल 2020 से धोनी के गैरेज में खड़ी इस गाड़ी को भी खरीदने के बाद रिस्टोर किया गया। धोनी ने खुद को रिटायरमेंट गिफ्ट के तौर पर ही ये गाड़ी खरीदी थी। 4 दशक से ज्यादा पुरानी ये कार 325 हॉर्स पावर पैदा करती है। जब माही ने ये गाड़ी खरीदी थी तो उनको करीब 68 लाख रुपए की कीमत देनी पड़ी थी। साल 2019 में धोनी ने निसान जोंगा 1 टन भी खरीदी थी। करीब 24 साल पुरानी इस SUV को निसान कंपनी साल 1999 तक भारतीय सेना के लिए बनाती थी। पंजाब के एक मशहूर कार मॉडिफायर ने धोनी की इच्छा के मुताबिक निसान 1 टन में कई बदलाव किए थे, जिसमें पूरी गाड़ी पर ब्रिलियंट ग्रीन कलर भी शामिल है। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि माही के गैरेज में सिर्फ पुरानी कारें या फिर हम कहें कि विंटेज गाड़ी है, बल्कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स वाली गाड़ियां खरीदना भी बहुत पसंद है। साल 2019 में ही धोनी की गैरेज में एक और दमदार SUV की एंट्री हुई थी, जिसे जीपी ग्रैंड शेरोकी ट्रैक वॉक कहते हैं। पावरफुल SUV की फहरिस्त में बेहद दमदार मानी जाने वाली ग्रैंड शेरोकी ट्रैक वॉक 707 हॉर्स पावर और 875 न्यूटन मीटर का पीक टॉक पैदा करती है। महज 3.62 सेकंड में 100 मीटर की रफ्तार छूने वाली ग्रैंड शेरोकी ट्रैक वॉक की भारत में कीमत 1.60 करोड़ है। धोनी के पास फरारी 599 GTO स्पोर्ट्स कार भी है, जिसे उन्होंने साल 2011 में विश्व कप जीतने के बाद खरीदा था। तब धोनी को इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए देनी पड़ी थी। शानदार लुक और फीचर्स के साथ ही पावरफुल इंजन वाली ये कार धोनी के गैरेज की सबसे खूबसूरत कारों में से एक है। अमेरिका समेत दूसरे देशों में माही मशहूर GMC सियरा भी महेंद्र सिंह धोनी की गैरेज में मौजूद है। GMC की इस पिकअप ट्रक की कीमत भारत में करीब 70 लाख रुपए है। और इसके साथ ही हमर H2 लैंड रोवर, फ्रीलैंडर 2, मित्सुबिशी पजेरो SFX और मर्सिडीज वेंज GLE 250D, ऑडी Q7 जैसी शानदार लग्जरी कारें धोनी के घर में मौजूद हैं। यानी कि क्रिकेट के साथ ही
धोनी की कारों को लेकर दीवानगी भी देखने लायक है। तो जन्मदिन के इस मौके पर अब आपको हम मिलवाते हैं धोनी के एक ऐसे फैन से जिसने धोनी नाम की चालीसा ही लिख डाली। हमारे सहयोगी सत्यजीत ने धोनी के इस अनोखे प्रशंसक से बात की। ये धोनी चालीसा है, धोनी जी के लिए मैं लाया हूँ। इनके लिए सात तरह के नाम को मैंने किया है। ठीक है, क्लेवर कैप्टन, विनर कैप्टन, फिनिशर कैप्टन, ब्रेव कैप्टन, ग्रेट कैप्टन, कूल कैप्टन और स्मार्ट कैप्टन, ये तमाम जो है धोनी के लिए लिखी गई है। आगे क्या है? आगे ये है, हाँ बोलिए। धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र मसी करूं, धोनी क्रिकेट गुण लिखा न जाए। या धोनी सर्वभूतेषु क्रिकेट रूपेण संस्था, नमः तस्य, नमः तस्य, नमः तस्य, नमो नमः। श्री गणेश कर क्रिकेट में कह लहु टीम में सुधार, सभी खिलाड़ी से मिलकर कह रहू सोच विचार, विश्व कप जिताए के सुनहु पान बाबू पुत्र सुकुमार, देवड़ी माता जी के कृपा से नाम खिलल बेसुमार। तो माही का बर्थडे है, हर कोई उनका बर्थडे अपने अपने अंदाज से सेलिब्रेट कर रहा है, हर कोई उनको विश भी कर रहा है। कार कलेक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया, धोनी चालीसा भी आपने सुन ली। चले आपको हम बाइक कलेक्शन जोन का है या कहें कि बाइक प्रेम के बारे में बताते हैं। माही को न केवल कारों का शौक है बल्कि बाइक्स का भी शौक है। रांची में रहने वाले लोगों से उनके बाइक्स का शौक छिपा नहीं है क्योंकि कई बार लोग उनको सड़कों पर तरह तरह की बाइक्स दौड़ाते हुए देख चुके हैं और हर मौसम में उन्हें अपने शहर में बाइक राइडिंग का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है। एमएस के पास एक से बढ़कर एक महंगे और शानदार बाइक्स हैं और रिपोर्ट्स ये कहती है कि माही के पास 44 मोटरसाइकिल हैं। 45,000 रुपए में खरीदी गई पहली बाइक राजदूत से लेकर उनके 4500 रुपए से में जो उन्होंने पहली बाइक खरीदी थी राजदूत, उससे लेकर अभी उनके पास 47 लाख रुपए तक की बाइक्स हैं और इनका कलेक्शन कैसा है वो भी हम आपको बताते हैं। नाम है कॉन्फेडरेट X132 हेलकेट। साल 2015 में धोनी ने बाइक 36 लाख रुपए में खरीदी थी। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में सिर्फ धोनी के पास ही ये हेलकेट बाइक है और इसके अलावा माही के पास कावासाकी निंजा H2 है जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल बाइक भी कहा जाता है। इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है और इस वक्त कावासाकी निंजा H2 की कीमत 35 लाख रुपए है। धोनी के पास 1441cc की कावासाकी निंजा ZX14R भी है। रांची में अक्सर इस बाइक के साथ दिखने वाले धोनी ने इसे करीब 20 लाख रुपए में खरीदा था। बाइक लवर्स के तौर पर माही की बात हो रही है तो उनके पास इटालियन सुपर बाइक डुकाटी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो धोनी के पास ट्विन सिलेंडर इंजन वाली डुकाटी 1098 है, बाइक रेसिंग के लिए काफी बेहतरीन मानी जाती है और इस मोटरसाइकिल की कीमत 20 लाख रुपए है। धोनी की गैरेज की शोभा बढ़ाने वाली मोटरबाइक में हार्ले डेविडसन की फैट बॉय भी है। 1690cc एयर क्यूड वी ट्विन इंजन वाली इस बाइक की कीमत है 25 लाख रुपए। माही के पास यमाहा YZF600 यानी कि थंडर कैट भी है जिसे उन्होंने 2010 में खरीदा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर के शुरू होने के 6 साल बाद, जिसकी कीमत उस वक्त 14 लाख रुपए के करीब थी। तो धोनी को विंटेज और पुरानी बाइक्स का शौक है और यही वजह है कि उनकी गैरेज में ब्रिटिश मोटरसाइकिल BSA गोल्ड स्टार भी है और ये बाइक चलाते उनकी तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। इसके अलावा धोनी यामाहा के बेहद मशहूर एक बाइक RDC 350 को भी दौड़ाते हुए देख सकते हैं, जिनमें एक वो तस्वीर भी है जिससे वो अपनी बेटी जीवा को इस बाइक पर अपने साथ रांची स्थित फार्म हाउस में घुमाते नजर आए थे। तो धोनी को बॉलीवुड के गाने और फिल्में भी बहुत पसंद हैं और इन गानों को गुनगुनाना वो बहुत पसंद करते हैं। सेना के कार्यक्रम में जब धोनी पहुंचे थे तो जवानों ने उनसे ऐसी ही कोई फरमाइश की थी और इस फरमाइश पर धोनी ने कौन सा गाना गाया था वो भी आपको सुनवाते हैं। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आए हमारे साथ डांस करें। अभी पता कौन सा गाना डांस से अच्छा मैं एक छोटा सा गाना गा दूं? नहीं नहीं डांस ठीक है, तो गाने के बाद डांस। नहीं काम करता हूँ, मैं पहली बार आया हूँ तो इस बार डांस नहीं करूंगा, जब मैं दूसरी बार आऊंगा ना तब मैं डांस करूंगा। तो मैं गाना नहीं गाऊंगा, बेसिकली मैं गाना गुनगुना दूंगा। किशोर कुमार मेरे फेवरेट हैं बट ये गाना मुकेश जी का है।
और मैं पल दो पल का शायर हूँ एंड बहुत रेलिवेंट भी है. अगर आप मेरे स्पोर्ट को देखें तो इसकी जो लाइन है इसमें बोला जाता है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे, तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, यू नो, डजेंट मैटर. तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी धोनी सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है रिटायरमेंट के बाद होने वाली कमाई, जो एमएस को दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स की फहरिस्त में शुमार करती है. कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त धोनी की नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए के करीब हो चुकी है और इसमें क्रिकेट से होने वाली कमाई के अलावा दूसरी कंपनियों के ब्रांड एंडोर्समेंट से होने वाली कमाई का योगदान भी शामिल है. यकीन मानिए एमएस धोनी इस वक्त भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज चेहरे अमिताभ बच्चन और रणवीर कपूर से ज्यादा कंपनियों के ब्रांड को एंडोर्स करते हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट के मामले में विराट कोहली भी धोनी से काफी पीछे हैं. सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को लेकर टैमरेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक माही अब 30 मशहूर ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं और इनमें कौन कौन से ब्रांड्स हैं ये आपको बताते हैं. मास्टर कार्ड शामिल है इन ब्रांड्स में. इसके अलावा जियो सिनेमा के भी धोनी ही ब्रांड एम्बेसडर हैं. धोनी की ब्रांड एंडोर्समेंट की लिस्ट में स्किपर पाइप, फायरबोल्ट, ओरियो और गल्फ ऑयल जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. एन अकेडमी, भारत मैट्रिमोनी, नेटमेड्स और ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियों के विज्ञापन भी धोनी ही कर रहे हैं. इन ब्रांड्स को भी वही एंडोर्स करते हैं. क्रिकेट की पिच पर भी धमाल मचाने के बाद व्यापार के क्षेत्र में उनकी खासी धमक सुनाई देती है. ऑर्गेनिक खेती से जुड़ी अपनी कंपनी और दूसरी कंपनियों में निवेश से भी उन्हें ताबड़तोड़ कमाई होती है और निवेश से आने वाले रिटर्न्स भी धोनी की नेटवर्थ को बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं. उन्होंने कई स्पोर्टिंग और डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस फर्म्स में भी निवेश किया हुआ है जिससे उन्हें हर महीने करोड़ों रुपए की आमदनी होती है. माना जाता है कि क्रिकेट और ब्रांड एंडोर्समेंट से होने वाली कमाई को उन्होंने खाता बुक कास्ट 24, प्रोटीन फूड स्टार्टअप शाखा हेरी और ड्रोन सर्विसेज स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस में निवेश किया हुआ है. इसके अलावा धोनी फुटबॉल टीम, चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई एफसी, माही रेसिंग टीम इंडिया और फील्ड हॉकी टीम रांची रेंज के भी सहमालिक हैं. क्रिकेट करियर में फिटनेस के मामले में भी धोनी हमेशा आगे रहे और यही बड़ी वजह है कि वो फिटनेस उद्योग में भी कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त धोनी देश भर में 200 से ज्यादा जिम के मालिक भी बन चुके हैं जो स्पोर्ट्स फिट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले चलते हैं. धोनी की वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि धोनी एक कैप्टन कूल कहलाए जाते हैं. उनकी एंटायर गेम को अप्रिशिएट किया जाता है, उनको एक क्रिकेट का एक सीनियर काउंसिल समझा जाता है और उनकी कोई भी ऐसी ग्लैमर में कोई भी खराबी नहीं आई. तो उन्हें सेम क्रिकेटर बुलाया जाता है, ओल्ड सम क्रिकेटर बुलाया जाता है और इस हिसाब से फैमिली ब्रांड्स की ब्रांड एंडोर्समेंट में उनका बहुत महत्व रखता है. महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के अलावा सेना से भी जुड़े हुए हैं. खासा जुड़ाव उनका है और उनका देश की आर्मी के प्रति प्यार जग जाहिर है. साल 2011 में धोनी ने जब भारत को वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप जिताया था तो वो भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हो गए थे और लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान ने आगरा में फाइटर प्लेन से 5 बार पैराशूट की मदद से कूदने की ट्रेनिंग ली और फिर वो पैराशूटर बन गए थे. आज उनके 42वें बर्थडे के मौके पर हम आपको कुछ ऐसे वाक्य बताते हैं जहां पर धोनी का आर्मी के प्रति लगाव और प्रेम हमेशा नजर आया है और ये मौके कब कब आए देखिए जरा. धोनी अक्सर देखा गया है कि शहीदों के परिवारों के लिए भी काम करते हैं. पुलवामा शहीदों के परिवारों के लिए उन्होंने एक पहल की थी क्योंकि उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था, रांची में मैच था, तो आर्मी की कैमोफ्लेज वाली उन्होंने कैप्स अपनी पूरी टीम को दी थी जिसके बाद उन्होंने कहा था कि ये सारी कैप्स इनकी नीलामी होगी और इससे जो पैसा मिलेगा वो शहीदों के परिवारों को मदद के तौर पर दिया जाएगा.
अब इसके बाद याद होगा साल 2018 में जब उनको पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था तो अपना पुरस्कार लेने के लिए वो उसी आर्मी की ड्रेस में ही वहां पर गए थे और उसके बाद भी बाहर आते उन्होंने कहा था कि ये एक दोहरा सेलिब्रेशन उनके लिए है, एक दोहरी अचीवमेंट है, एक पद्म पुरस्कार और दूसरा फौज की वर्दी में उस पुरस्कार को स्वीकार करना। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के जरिए न सिर्फ अपना बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है और इस खेल ने धोनी को नाम, पैसा, शोहरत और फैंस का बेशुमार प्यार दिलवाया। देश में आज भी कई ऐसे फैंस के लिए क्रिकेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ धोनी है, लेकिन धोनी को क्रिकेट के अलावा फुटबॉल का भी शौक है। कई बार ऐसा देखा गया कि धोनी फुटबॉल खेलते नजर भी आए हैं, फुटबॉल के बड़े फैन हैं, वो खुद भी फुटबॉलर रह चुके हैं। क्रिकेट में आने से पहले उनका पहला प्रेम फुटबॉल ही रहा था और अपनी स्कूली टीम के गोलकीपर वो थे। धोनी जब टीम इंडिया के कप्तान थे तब भी वो टीम प्रैक्टिस में फुटबॉल को हमेशा शामिल किया करते थे। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए हैं जब वो फुटबॉल खेलते नजर आए हैं। धोनी की तरह ही उनकी बेटी जीवा भी अपने पिता की तरह फुटबॉल की फैन है और ये बात सोशल मीडिया और कई बार ग्राउंड्स पर भी देखने को मिली है जब धोनी और जीवा को फुटबॉल खेलते हुए देखा गया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।